चलिए ठीक है, देखते हैं बेटा। पिछले वाले क्लास में जो बेटा आप बनाए थे सार्वत्रिक समूह, ये चीज तो आप बना भी दिए थे, एक आप बनाकर शायद भेज भी दिए थे, है ना? तो ये तो हो गया था सार्वत्रिक समूह जो अब्सेंट थे। अनुराधा बनाई थी ना, इस पर भेजी थी, आप ही ना भेजी थी। यस सर। आज थोड़ा हम इसके आगे से हम लोग आ जाते हैं, है ना? जो ये तो हो गया था, अब इसके आगे से हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इसके सर आगे एट नंबर नहीं बना था। कौन सा। एक एक नंबर क्वेश्चन, हाँ 8 नंबर। एट नंबर, एट हाँ एट नंबर क्वेश्चन था, देख लेते हैं। ये जो है आपका एट नंबर, ये ना बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, यानी एक ऐसा सार्वत्रिक समुच्चय का नाम लिखना है जिसमें दोनों आ जाते हो। तो हमें इस तरह से सार्वत्रिक समुच्चय का नाम क्या होगा जो दोनों इसके अवयव बनते हो, प्रत्येक इसका अवयव बनता हो। मतलब क्या, ऐसे लिख सकते हैं कि यानी लिखते विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय, यही ना हो जाएगा? यानी इसका जो नाम हो जाएगा आठवां में, तो लिख सकते हैं आप कि विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय। जैसे इसके मतलब इसमें दोनों हो गए, समकोण त्रिभुज भी हो गए या समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय भी हो गया। तो लिख सकते हैं यानी भुजा और कोण के आधार पर बने त्रिभुजों के प्रकार, ऐसे दे सकते हैं, बनाए गए त्रिभुजों के प्रकार ऐसे लिख दीजिएगा। भुजा और कोण के आधार पर बने त्रिभुज, ये लिख सकते हैं ये इसके सार्वत्रिक समुच्चय के उदाहरण के रूप में, कि भुजा और कोण के आधार पर बने त्रिभुज। मतलब भुजा के आधार पे यही से कुछ बन सकता है, समबाहु समद्विबाहु, ये हो ये, और ये कोण के आधार पे बन सकता है, समकोण न्यून कोण अधिक कोण। यानी आठवां वाले में लिखिएगा पहला वाले में कि कोण के आधार पर बने त्रिभुज, और दूसरा वाला हो जाएगा भुजा के आधार पर बने त्रिभुज, इसका ये भी अवयव हो जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा। इसका बात समझ रहे हैं, आठवां वाले में क्या लिखिएगा पहले वाले में आठवां का, तो भाई इसको लिखिएगा, इसको लिख करके बता देते हैं हम। तो आठवां वाले बेटा आप पूछ रहे हैं तो ये कर देते हैं, आठवां वाले में क्या लिखिएगा, आठवां का पहला और दूसरा, है ना? ये दो चीजें है ना आपका, बता देते। देखिए यहाँ पे आप आ जाते हैं, जैसे मैं अगर मान लेते हैं आठवां का पहला लिखिएगा, तो पहला बोला था समकोण त्रिभुज, है ना? तो मतलब ये हो जाएगा, इसको दे सकते हैं आठवां का पहला के आगे लिखिएगा कि कोण के आधार पर, कोण के आधार पर ठीक है, कोण के आधार पर, मतलब समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ये ना होता है, कोण के आधार पर बने त्रिभुज, है ना? विभिन्न त्रिभुज बने, विभिन्न त्रिभुज बने त्रिभुजों का समुच्चय, कोण के आधार पर बने त्रिभुजों का समुच्चय, कोण के आधार पर बने त्रिभुजों का समुच्चय, इसको ऐसे लिख दीजिएगा। कोण के आधार पर बने त्रिभुजों का समुच्चय, मतलब कोण के आधार पर कौन कौन त्रिभुज बन सकते हैं, उनमें एक वो भाग आ जाएगा, और दूसरा वाले में लिखा जाएगा भुजा के आधार पर, मतलब भुजा को ले लिया जाए, मतलब समबाहु समद्विबाहु, तो भुजा के आधार पर, आधार पर बने त्रिभुजों का समुच्चय दे सकते, सने भी आ गया, त्रिभुजों का समुच्चय। चलिएगा, अब देख रहे हैं, अब तो क्लियर हो गया अनुराधा। यस सर। हाँ, इस तरह से आप उसको लिख लीजिएगा कि कोण के आधार पर बने त्रिभुजों का समुच्चय, और दूसरा है आपका भुजा के आधार पर बने त्रिभुजों का समुच्चय। समझ रहे ना बेटा, यही चीजें आपको आ जाता है, मतलब कोण के आधार पर जितने भी प्रकार के त्रिभुज का समुच्चय बनाएंगे उसमें वो भी एक पार्ट आ जाएगा, और भुजा के आधार पर जितने भी प्रकार के त्रिभुज का समुच्चय बनाएंगे उसमें सेकंड वाला भाग आ जाएगा। तो ये चीजें हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये चीजें आपको बताता है, ये चीज हमेशा माइंड में रखिएगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग जो देख रहे थे यही था आपका, चलिए सेव हो गया, इसको हम सेंड कर देंगे। अब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, जिसे देखिए
अब हम लोग आते हैं समुच्चय का भाग नंबर चार। थोड़ा समझिएगा बेटा, यहाँ पे देखिएगा सबने, है ना, समझने का कोशिश करिएगा। समुच्चय का अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भाग नंबर चार। क्या होता है भाग? अभी तक तीन भाग हम लोग डिस्कशन किए हैं, आज जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं चौथा वाला भाग कर रहे हैं। चौथा वाला भाग मतलब बोला जाए तो ये हो रहा है आपका वेन आरेख, मतलब कि क्या, वेन डायग्राम, इसको अगर इंग्लिश में बोले और हिंदी में बोलेंगे तो वेन आरेख, ठीक है। तो देखो भाई, दो चीजें हम लोग देख रहे थे अभी तक, जितने भी प्रकार हम लोग सिर्फ समुच्चय का देख रहे थे, एक उप समुच्चय था, ठीक है, और एक उसको देखा गया कि एक सार्वत्रिक समुच्चय, है ना। तो मतलब क्या, उप समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाता है, थोड़ा सा हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं भाई कि उप समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो गया, तो ताकि आपको क्लियर रहे, कोई कंफ्यूजन न रहे। तो उप समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो गया, जैसे मान लिया, जैसे कोई एक कोई समुच्चय है ए, तो ए के अगर अवयव के रूप में देखा गया तो एक दो तीन चार पांच ऐसे करके एक अवयव है, और कोई दूसरा समुच्चय बी है, इसके अवयव को देखा जाए तो दो तीन चार, ठीक है। तो देखा जाए कि ए बी का जितने भी अवयव है वो ए में मौजूद है, ठीक है। यानी हम लोग बी को बोलेंगे क्या, तो बी को हम लोग बोलेंगे कि बी क्या है भाई, तो बी को बोलेंगे ए का उप समुच्चय है, क्योंकि बी का सारा अवयव ए में मौजूद है। बी क्या है, तो ए का उप समुच्चय है, ठीक है। और तब बोलिएगा सर तो ए क्या है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि ए जो है, ए जो है बी का, यहाँ पे दे दीजिए बी का है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है, यानी कह सकते हैं कि ये एक तरह से है ना, ए क्या है भाई, तो यानी दे सकते हैं ए जो है बी का एक सार्वत्रिक समुच्चय है, बी का एक सार्वत्रिक। सर सार्वत्रिक का क्या है मतलब परिभाषा? तो वो अच्छा, आप अब्सेंट रह गए थे नहीं कल वाले क्लास में, थोड़ा सा ही बच्चे आए थे तो इसको हम बताए थे, चलिए इसको हम सेव कर देते, रुकिए बता देते परिभाषा, यही हम पिछले वाले में पढ़ा रहे थे जो भी हम काट दिए है ना, तो वही पिछला वाला हम लेकर के चल रहे थे। देखिएगा एक चीज, इसको सार्वत्रिक जो आप पूछ दिए तो देख लेते हैं, देखिए सार्वत्रिक, अगर सार्वत्रिक पूछ रहे हैं तो लाइए थोड़ा सार्वत्रिक का भी देख लेते हैं, थोड़ा देर हमको लगा कि आप बनाए होंगे, आप लोग प्रेजेंट होंगे। देखिए सार्वत्रिक वाले का यही था ना सार्वत्रिक, देखिए उप समुच्चय तो हम पढ़ावे किए थे कि छोटा वाला जो भाग हो गया। देखिए सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा समुच्चय हो जाता है जिसका दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय नहीं हो सकता, है ना, उसे हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। जैसे वही बात कहने का हुआ, एक बड़ा समुच्चय जिसके बहुत सारे छोटे छोटे समुच्चय बनाए जा सकते हैं, तो बड़े वाले समुच्चय को हम लोग एक सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, और छोटे वाले समुच्चय को जितने भी बनेंगे वो सभी बड़े वाले का उप समुच्चय कहलाता है। मतलब क्या, कोई सार्वत्रिक समुच्चय है उसके बहुत सारे उप समुच्चय बनते हैं। जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके क्लास है, आपके विद्यालय के विद्यार्थियों का समुच्चय, मतलब एक हो गया ये सार्वत्रिक समुच्चय। अब इसका अगर बोला जाए क्लास 8th क्लास में विद्यार्थियों का समुच्चय, क्लास 9th क्लास में विद्यार्थियों का समुच्चय, क्लास 10th क्लास में विद्यार्थियों का समुच्चय, ये सभी हो जाएगा उप समुच्चय हो जाएगा। किसका भाई, तो क्लास में विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। मतलब क्या, एक पूरा कंप्लीट डाटा रहेगा विद्यालय के सारे विद्यार्थियों का समुच्चय, जिसे हम लोग कहेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। अब इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे भाग बना देंगे वो सभी इसका उप समुच्चय कहलाएगा। तो जैसे भारत हो गया, भारत एक सार्वत्रिक समुच्चय, भारत के अंदर एक छोटे छोटे जितने भी राज्य हैं, बिहार झारखंड जो भी, ये सभी उप समुच्चय कहलाते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि बिहार झारखंड जितने भी राज्य हैं उन सभी का एक सार्वत्रिक समुच्चय भारत कहलाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से बिहार की बात करें, जैसे नवादा जो भी है, पटना, औरंगाबाद, गया, ये सभी जिले हैं, तो इन सभी जिलों का एक सार्वत्रिक समुच्चय क्या कहलाएगा, तो बिहार कहलाएगा। तो मतलब ऐसे छोटे छोटे उप समुच्चय जिनको मिला के एक कंप्लीट समुच्चय बनाया जा सकता है, उसी को हम लोग कहेंगे सार्वत्रिक समुच्चय।
बात समझ में आ गया? तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, यानी छोटे यानी जितने उपसमुच्चयों का संग्रह एक सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, दो तीन उपसमुच्चयों का संग्रह एक सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा? अब उदाहरण देख लेके समझ सकते हैं कि विश्व के समस्त मानव का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अब विश्व के सभी मानव, मानव तो बहुत सारे बड़े हो गए हैं, तो उन सभी का एक समुच्चय बना देंगे तो वो एक सार्वत्रिक समुच्चय कहला जाएगा। वास्तविक संख्या के बहुत सारे भाग हो जाते हैं, उन सभी का समुच्चय भी एक सार्वत्रिक समुच्चय कहला जाएगा। तो अब ये बात क्लियर हुआ बाबू? चलिए क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन भी है क्या बेटा? सही है कि अभी भी कंफ्यूजन है सार्वत्रिक समुच्चय में? नो सर। सही है ना? तो ये बात आती है सार्वत्रिक समुच्चय को, इसी के लिए हमने एक एग्जांपल वही लिख दिया था हमने, है ना, इसीलिए हमने एग्जांपल लिख दिया था। क्या एग्जांपल लिखा था? तो यहाँ पे जब एग्जांपल आप देखिएगा, ये था ना एग्जांपल, लगता है वो पिछला वाला एग्जाम्पल था। तो वही चीजें हैं कि अगर बड़ा वाला कोई समुच्चय दे दे, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई ए का जो मान लेते कोई अवयव है 1 2 3, ठीक है, बी का कोई अवयव है जैसे 2 3 4, ठीक है, सी का अवयव है जैसे 1 4 5, तो अगर ये सभी उप समुच्चय कहलाए, जैसे यू, यू को अगर व्यक्त करना होगा तो 1 2 3 4 5, तो U को हम लोग कहेंगे क्या? तो इसको कहेंगे हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, क्योंकि ये 2-3 समुच्चयों का संग्रह है, सही है। और ये सभी A क्या है भाई? तो A भी आपका एक उप समुच्चय कहला जाएगा। B क्या कहलाएगा? ये भी एक उप समुच्चय कहला जाएगा, सी भी आपका एक उप समुच्चय कहला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय और उप समुच्चय को हम लोग अलग अलग करते हैं। अब चलिए क्लियर हुआ, इसमें भी कोई कंफ्यूजन है बेटा? कोई कंफ्यूजन है? सही है ना? चलिए तो अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन था 7 8 9, बाकी तो हो गया था, अब थोड़ा आपके लिए होमवर्क क्या है कि 7 8 9 जो क्वेश्चन हम ग्रुप में देखिएगा, पीछे हम भेजे हुए थे, तो वो 7 8 9 क्वेश्चन को जा करके एक बार देखिएगा और थोड़ा बनाने का कोशिश करिएगा। और इस तरह से जो क्वेश्चन है ना, उसका सॉल्यूशन भी अनुराधा ने ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, तो देखिएगा। 8 नंबर का बेचारे का गलत है तो 8 नंबर हम सेंड कर देंगे, बाकी आप 7 और 9 को बना सकते हो, 7 और 9 आपका सही है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 7 और 9 आपको बनाना है जा करके। अभी थोड़ा सा ब्रेक देंगे तो उसी में आप लेकर के बना दीजिएगा। तो अब जो हम लोग थोड़ा बात करते हैं, आगे लेके चलते हैं, क्या लेके चले ना? क्या बेटा सनी, सनी समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग लेके चलते हैं। सार्वत्रिक हो गया, अब सार्वत्रिक समुच्चय के आगे से हम लोग लेके चलते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं वेन आरेख, है ना, जैसे वेन, जैसे सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय। अभी अब हम लोग देखे एग्जांपल में कि कोई बड़ा वाला जो समुच्चय कहलाता है वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, और छोटे छोटे जितने भी उसके पार्ट हो गए वो सभी उप समुच्चय कहलाते हैं। तो कहने का पर्पस ये हुआ कि जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है कि किसी सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के द्वारा और उसके उप समुच्चय को वृत्त के द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब वेन डायग्राम में अगर हम बनाते हैं तो कोई भी अगर सार्वत्रिक समुच्चय है उसको हम लोग आयत द्वारा दिखाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाएगा, और उसके जितने भी छोटे छोटे उप समुच्चय आएंगे उन सभी को हम लोग एक वृत्त द्वारा दर्शाएंगे। जैसे में क्या हो गया भाई, उदाहरण के लिए देखा गया तो U जो है एक सार्वत्रिक समुच्चय है, U का अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और उसका कोई एक उप समुच्चय A ले लिया गया, तो A में क्या क्या अवयव है भाई, तो जो 2 4 6 8 और 10। अब देखा जाए तो इन चीजों को आपको एक अपना सिंबॉलिकली निरूपित करना है, मतलब सिंबल बना करके निरूपित करना है। तो कैसे निरूपित किया गया, तो ऐसे निरूपित किया गया, देख लीजिए बाबू, यहाँ पे U है, U, U के अवयव है ना, U के अवयव हो गए यहाँ पे देखा जाए, और ये किसके अवयव हो गए भाई, तो A के अवयव है ना, इसको पीछे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये अवयव हो गया A का।
ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए तो देखिए यू जो है, यू को कैसे पूरा अवयव को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, देखिए यू में आयत के रूप में निरूपित किए, इसको सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो यू के अंदर देखिए कौन कौन सारा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सारा यू में आ रहा है। लेकिन अगर उसके नीचे जो एक छोटा उपसमुच्चय ए बनाया गया है, तो ए का अवयव क्या क्या है, तो 2 4 6 8 और 10, यानी इसको एक अलग बॉक्स में हम लोग बनाए हैं जिसका अवयव क्या है, तो 2 4 6 8 और 10, यानी यू आपका एक सार्वत्रिक समुच्चय हो गया और ए आपका उसका एक उपसमुच्चय हो गया। यानी यू को एक आयत द्वारा निरूपित करेंगे और ए को एक आप वर्ग के द्वारा निरूपित करेंगे। इन चीजों को थोड़ा सा हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बात हमेशा माइंड में रहेगा। आपको ये बात इस तरह से निरूपित करने के लिए भी दिया जा सकता है कि भाई सार्वत्रिक समुच्चय और एक उपसमुच्चय को एक वेन आरेख द्वारा निरूपित करें जिसमें सार्वत्रिक समुच्चय का अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और उपसमुच्चय का अवयव है 2 4 6 8 और 10। तो आप उसको इस तरीके से ले करके निरूपित करिएगा। और वही चीज हम लोग लिख भी दिए हैं कि अतः यू एक सार्वत्रिक समुच्चय है और ए उसका एक उपसमुच्चय, उसका लिख दिया, उसका एक उपसमुच्चय है, बना लीजिएगा उसका एक उपसमुच्चय है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गया होगा क्या बाबू, यहाँ तक क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन है बेटा, बताइए क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन भी है? क्लियर है ना? क्लियर है सर। हाँ तो क्लियर। अब आगे उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अब देखिए समुच्चयों पर कुछ ना कुछ क्रियाएं की भी की जा सकती है। जैसे मान लो 2 3 समुच्चय है, ठीक है, तो देखिए समुच्चयों को जोड़ा भी जा सकता है, समुच्चयों को घटाया भी जा सकता है, समुच्चयों को गुणा भी किया जा सकता है। तो यही चीज अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि समुच्चयों पे हम लोग क्या क्या क्रियाएं कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो ये कर रहे समुच्चयों पर क्रिया है, जिसमें आ रहा है हम लोग समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन क्या है, तो समुच्चयों का सम्मिलन ये कहलाता है बेटा कि यदि ए और बी कोई भी दो समुच्चय है, ठीक है, तो ए और बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ साथ बी के भी सभी अवयव मौजूद हो। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि ए का अवयव है, ए और बी दो समुच्चय दिया गया और ए का कुछ अवयव है और बी का भी कुछ अवयव है, और उन दोनों का सम्मिलन क्या कहलाएगा भाई, तो ऐसा समुच्चय जिसमें ए के भी अवयव मौजूद हैं और बी के भी अवयव मौजूद हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे आपको दे दिया गया, जैसे में क्या कि जैसे ए का अवयव है 2 4 6 8 और बी का अवयव है 6 8 10 12, अतः इन सभी का एक देखा गया ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में सभी को जोड़ देंगे। जैसे मतलब क्या, ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें ए का भी अवयव है और बी का भी अवयव है। तो देख लेते हैं, तो सबको देखा गया, तो 2 4 6 8 10 और 12, खाली इस बात का इसमें ध्यान रखेंगे कि जब भी सम्मिलन करेंगे तो उसमें अवयवों को दोहराया नहीं जाएगा। जैसे मान लेते कि 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, तो ऐसा नहीं कि हम 2 बार 6 लिख देंगे, सिर्फ एक ही बार 6 लिखाएगा। 8 इधर भी है 8 इधर भी है, तो सिर्फ एक ही बार 8 लिखाएगा, 10 हो गया और 12 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको यूनियन से के रूप में लिखते हैं। यू, यू कहने का मतलब हो गया यूनियन, यानी इसको ए यूनियन कहा जाता है। यू मतलब यूनियन, मतलब ए यूनियन बी बोला जाता है, तो ए यूनियन बी मतलब कहलाता है समुच्चयों का सम्मिलन। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मान लिया कि ए का अवयव है ए ई आई ओ यू और बी का अवयव है ए आई यू। अगर यूनियन बोलेगा कि ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए ई आई ओ यू, और देखा जाए एक ही बार आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि दो बार रिपीट कर देना है। तो यही इसी को हम लोग कहेंगे बराबर ए, क्यों, क्योंकि भाई इक्वल सेट हो गया ए यूनियन बी बराबर ए, क्योंकि जो ए यूनियन बी में अवयव है वही आपको ए में भी अवयव है, यानी ए यूनियन बी और ए दोनों के दोनों आपका एक इक्वल सेट हो रहा है। तो उसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं यूनियन के रूप में, जैसे ए और बी दो समुच्चय हो गए, तो जैसे ए यूनियन बी में क्या किया गया, दोनों को इस तरह से लेकर के जोड़ दिया गया, मतलब मिला दिया गया। इसी को हम लोग इस तरीके से लिख करके निरूपित करते हैं, ठीक है।
अब देखिए सम्मेलन जो भी लोग पढ़ रहे थे यूनियन के रूप में पढ़ रहे थे, देखो ये यूनियन तो ऐसे देख लिए, अब थोड़ा हम लोग बुक में भी दिखा देते हैं कि देखो बेटा बुक में भी इसी तरह से लिया गया है, देख लीजिए बुक का भी। तो बुक में भी अगर देखिएगा तो आपको यही चीज दिखेगा, ये देखिए समझ प्रक्रिया सबका समुच्चय ऑपरेशन ऑन सेट। देखिए ये तो वेन डायग्राम, इसको उपसमुच्चय को लिखा गया, देख लीजिए यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं आकृति क्या बताती है, आयत क्या बताती है। तो भाई ये एक सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, इसके नीचे दो तीन समुच्चय उपसमुच्चय हो गए, जैसे ए पहले वाले में सिर्फ ए ही उपसमुच्चय है जबकि दूसरे वाले में ए और बी दो उपसमुच्चय है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लेकर के इसमें पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन सेट जो हम लोग पढ़ रहे थे यूनियन वाला, तो देख ही रहे हैं आप यूनियन को ऐसे लिखा जाता है या दो सेट देखिए ए और बी एक दूसरे को काट रहे हैं इस तरह से गोले बना बना करके, तो इसी को हम लोग लिखेंगे ए यूनियन बी। तो ये चीजें आपको आ जाएगी। अब देखिए सम्मिलन की क्रियाओं के कुछ गुण धर्म होते हैं, क्या क्या गुण धर्म होता है भाई, तो कुछ नियम भी होता है क्या जोड़ा जाए कैसे जोड़ा जाए, ये सभी जोड़ने घटाने का एक नियम होता है। क्या नियम है भाई, तो एक नियम ये कहता है जैसे पहला आप देख रहे हैं कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, तो ये तो हम लोग समझ सकते हैं कि चाहे ए और बी को जोड़िए चाहे बी और ए को जोड़िए बात तो एक ही आएगा, यानी दोनों इक्वल सेट ही मिलेगा। लेकिन ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्या होगा, ये पूछेगा किस नियम के तहत होगा, तो जो किस नियम के तहत होगा भाई तो ये ध्यान रखिएगा क्रम विनिमय नियम, क्रम लिख दिए क्रम विनिमय नियम होना चाहिए, क्रम क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। क्रम विनिमय नियम के तहत ये चीजें आपका हो रहा है। दूसरा क्या दे रहा है भाई, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ये सहचार्य नियम। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये आपको जो है ना ये मतलब कि याद करने के लिए है कि भैया बताने के लिए पूछ सकता है कि ये तो प्रॉपर्टी चलो आ रही है लेकिन किस नियम के तहत आ रही है, तो सेकंड वाले को हम लोग कहेंगे कि यह नियम यह जो नियम आया है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए और बी को पहले जोड़ दिया अवयव को और फिर जो सी था उसको जोड़ दिए, तो इस तरह से हो गया सहचार्य नियम का और निर्माण। तो ये होता है आपको कहलाया कि तीन पे लागू हो जाएगा तो सहचार्य नियम। अब देखिए ये बोलेगा सर ये फाई है, फाई मतलब कि रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का अवयव होता है, हम ये पहले ही बता चुके थे, यानी ए और फाई मतलब कि ए तो ए के अंदर में कोई रिक्त समुच्चय जोड़िएगा तो ए ही आएगा, तो इसीलिए उसको इस नियम को कहा गया भाई तत्समक समुच्चय, तत्समक नियम, यानी ए ए यूनियन फाई, फाई मतलब रिक्त समुच्चय। अब अगला क्या है भाई, तो ए यूनियन ए, ए यूनियन ए बराबर ए, ये क्या कौन सा सम नियम कहलाता है, तो वर्ग सम नियम कहलाता है। अगला कौन सा है, तो अगला है इसको थोड़ा सा इस तरह से कैपिटल में रहने दीजिए, यू यूनियन ए है ना, ये हो गया कि यू यूनियन ए मतलब यू और यू को जोड़ रहे हैं है ना, तो यू और यू को जोड़ रहे हैं तो ये भी आपको देखिए यू यूनियन ए, इसको छोटा करके लिख देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो, ठीक है। यू यूनियन ए, तो यू यूनियन ए मतलब सिर्फ आपका यू ही कहलाएगा, यू कहलाएगा, इसे कहते हैं हम लोग यू का नियम। तो बेसिकली इसमें कुछ बनाने के लिए नहीं है, ये चीजें क्या है, तो ये चीजें है थोड़ा याद रखने के लिए, क्यों, क्योंकि ये आपको एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि भाई ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हो गया तो ये कौन से नियम का भाग है भाई, तो आपको वहां पे जवाब देना पड़ेगा कि नहीं सर ये तो सहचर्य नियम का भाग है। तो ये चीजें आपको जो है ना, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा माइंड में हमेशा आपको रखनी पड़ेगी या रखनी होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको रखनी हो जाएगी और अभी जो है ना थोड़ा देर में ये जो है ना मतलब कि डिस्कनेक्ट होगा, तो अभी क्या करते हैं, अभी थोड़ा जितना पढ़ाए हैं सातवां भी वाला भी आप लोग नहीं बनाए हैं क्वेश्चन केवल अनुराधा को छोड़ करके, तो सातवां आठवां तो हम बना ही दिए हैं, तो सातवां नौवां और बाकी जो है अभी जो क्वेश्चन भेजेंगे उसको ले करके थोड़ा सा बनाने का कोशिश करिएगा। देखिए सातवां नौवां कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लिख दिया ये सातवां और नौवां जो सामने आप लोग देख रहे होंगे, जो सातवां और नौवां है उसको थोड़ा बनाइए और बाकी जो कुछ क्वेश्चन भेजे उसको बनाइए। जैसे नौवां नंबर तो ये दिख रहा है, नौवां नंबर में देख लो बेटा क्या दे रहा है, ये भी अब आप समझ गए हैं तो इसको इजीली आप बना सकते हैं नौवां नंबर को,
देखिए नौवां नंबर में देखो हम अभी बोले थे सार्वत्रिक समझ को, सभी अवयवों को मिला देते हैं। देखिए ए का अवयव है, बी का अवयव है और सी का अवयव है, इन तीनों का एक सार्वत्रिक समुच्चय बनाना है। देखो कितना इजीली हो गया, आठवां वाला तो बना दिए, और सातवां वाला वर्ग अंतराल के रूप में लिखना है। किस वर्ग अंतराल के रूप में? तो जिस तरह से छठा वाला लिखा हुआ है, तो अगर हल्का फुल्का भी याद होगा पिछले वाले में तो इसको आप बना सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में क्वेश्चन है। आपको याद है छोटा वाला ब्रैकेट रहेगा तो उसके लिए सिर्फ ग्रेटर का साइन होगा, बड़ा वाला कोष्ठक रहेगा उसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा। तो इस तरीके से लेकर के जो सातवां नंबर जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको छठा नंबर के जैसे लेकर के बनाना है, इसी तरीके जैसे बनाना है। जैसे मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है 6, तो आप लिख सकते हैं ना एक्स इज ग्रेटर देन 6, मतलब छोटी कोष्ठक है, बड़ी कोष्ठक आ गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 12, यानी बड़ी कोष्ठक के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, छोटी कोष्ठक के लिए सिर्फ ग्रेटर देन। ऐसे इस तरीके से आप लोग लिख लिख करके थोड़ा सा तो बना ही सकते हैं, और बाकी जो भी पढ़ाए हैं यूनियन वाला तो उसको देते हैं थोड़ा बनाने के लिए। तो क्या ट्राई हो सकता है ना, दें जरा सा बनाने के लिए? क्या बात सुधांशु, थोड़ा दें बनाने के लिए? हाँ सर दीजिए। दे रहे हैं तो अभी थोड़ा डिस्कनेक्ट करते हैं, बनाइए क्वेश्चन सेंड करते हैं ग्रुप में, और उसके बाद जो है आप लोग पिक्चर भेजिएगा और फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, अभी इसको हम काटते हैं।